वेलकम बैक टू माई चैनल, आई एम शिखा। ये व्लॉग पूरा 3 वीक्स लेट है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं जब घर गई थी तो मैंने वृंदावन जाने का एक व्लॉग डाला था, उसके बाद से पहले तो मैंने बहुत इन्जॉय किया घर पे, उसके बाद मैं यहाँ आई। मेरा बिल्कुल मन नहीं था यहाँ पे आने का, मैंने जैसे तैसे अपने आप को यहाँ पे सेटल किया है, तो व्लॉग आने का तो कोई चांस ही नहीं था। आई वॉज प्रोकेस्टिनेटिंग, आई वॉज इन स्टडिंग, आई डोंट नो, कोई मोटिवेशन नहीं थी मेरे पास। तो अभी भी नहीं है, बट बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, मेरी एल्गोरिथम ख़राब हो जाएगी, तो इससे बेटर है कि मैं पहले एक व्लॉग डाल दूँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी बोला कि कब आएगा नया व्लॉग, और बस एक उतनी सी मोटिवेशन थी मेरे पास, उसी से बना रही हूँ ये वीडियो। अब सबको देखना पड़ेगा। ओके, सो इट्स 11:30 और आज मैंने किसी इन्फ्लुएंसर को देखा था, उसने ऑरेंज टी बनाई थी, तो अभी मुझे रेसिपी तो नहीं पता, बट मैं दोबारा देखूँगी। और मेरे पास ऑरेंजेस हैं और मैं ऑरेंज टी बनाऊँगी अभी। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, तो प्लीज़ आप दूसरी रेसिपीज़ भी जाके देख सकते हो यूट्यूब पे। ओके गाइज, मैंने रेसिपी देख ली तो मेरे को पता लगा हमें उसके लिए चाहिए एक ऑरेंज और टी लीव्स और हनी, जो कि ऑर्गेनिक है, मेरी रूममेट सुप्रिया ने दिया है। तो सबसे पहले हम एक ऑरेंज लेंगे और उसको हाफ कट करेंगे। ओह, उल्टा है। One eternity later. Bravo. मैंने होल्स कर दिए हैं और कर देती हूँ। आई थिंक दिस इज इनफ। क्या करना है, पहले इससे ये सीड्स निकाल देती हूँ। बहुत होप्स के साथ बना रही हूँ मैं, मुझे नहीं पता कैसा बनेगा। मुझे चाय बहुत पसंद है, और फिर बात आ जाती है किसी भी चाय की, तो मैं कैसी भी चाय पी लूँगी, चाय होनी चाहिए। अब हम इस ऑरेंज को, आधे ऑरेंज को हम बॉईल करेंगे पानी में,
और मैंने सोचा कि शुगर ना लेके हम हनी लेंगे, जैसे मैंने पहले बताया ये मेरी रूममेट सुप्रिया का घर से आया हुआ ऑर्गेनिक हनी है। नाउ आई विल टेक अ पैन और उस पैन में मैं पानी पोर करके लेके जाऊंगी इंडक्शन तक और उसमें इस ऑरेंज को बॉईल करेंगे। 2 कप पानी डाल दी, थोड़ा और डाल दी। अब ठीक है, हम इसे बॉईल करेंगे, तब तक हमें इधर भी रेडी रखना है अपने कप को जिसमें हम स्ट्रेन करेंगे। आई लव दिस मग और मुझे नहीं पता कि ये हीट झेल लेगा या नहीं झेलेगा, बट अगर ये फूट गया तो हम फेंक देंगे और किसी और चीज़ में स्ट्रेन कर लूँगी, बट अभी मुझे इसमें ही स्ट्रेन करना है और ये खुल नहीं रहा है। कोई क्या, तो अब हमें क्या करना है, वी हैव दिस मग, हम इसमें इसको स्ट्रेनर की तरह रखेंगे ऐसे, और इसमें हम तील के ऊपर रखेंगे ताकि मैं इसे गर्म करके लाऊंगी और मैं इसमें ही स्ट्रेन कर दूँगी। वेरी स्मार्ट आई थिंक। बहुत ज़्यादा हो गई क्या? अब चलते हैं इंडक्शन की तरफ। गाइज इट्स चिलिंग आउटसाइड, फॉग तो गया ही नहीं आज पूरे दिन में। हमें क्या, हाउ मैनी ऑफ यू लाइक चाय? आप एक टी कप कॉमेंट कर सकते हो बॉइलिंग। तो मुझे पता ही नहीं था मुझे कितना बॉईल करना है, तो मैंने अपने अंदर के शेफ को जगाया और उतना ही बॉईल कर दिया। नाउ द पार्ट, द डेंजरस पार्ट इज कि मुझे नहीं पता अगर ये टूट गया ना तो बर्बाद हो जाएगा। मुझे क्या, देखा और इसमें हल्का ही शायद ऑरेंज का फ्लेवर टेस्ट करती हूँ। नॉट बैड। ओके, पहली बार अकेले कुछ ट्राई किया है, उसके हिसाब से दिस इज सो नाइस। जी टेस्ट करेगी। यू लाइक इट? एक रूममेट का थम्स अप मिल चुका है। अब मेरी दूसरी रूममेट जिसका वो ऑर्गेनिक हनी था वो टेस्ट करेगी, वो बताएगी कि कैसी है। ये बताएगी, वैसे इसे चाय तो खास पसंद नहीं आया, डोंट थिंक इसे फ्लेवर पसंद आएगा, बट लेट्स सी। डू यू लाइक द फ्लेवर? ज़्यादा आ गया। अरे कुछ गया हो? सबके फीड मेरे फ्रेंड ने वॉमिट करते करते बस वो रुक गई है, बट आई थिंक आई लाइक इट। और आपको कोई चीज़ पसंद है तो सामने वाले को पसंद आए ना आए, हु केयर्स, आई विल ड्रिंक इट। सो गाइज दैट्स अबाउट इट। मेरी फ्रेंड्स का चाय पी के दिमाग पूरा ख़राब हो गया और उन्होंने मुझे बोला है कि आज के बाद कभी कुछ नहीं बनाना, बट मैं फिर भी बनाऊँगी और उन्हें टेस्ट कराऊँगी। और इस व्लॉग के लिए ओ गॉड, सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन मैंने कॉमेंट करने बोला है इस पूरे व्लॉग में, आप वो कॉमेंट करो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।